हरियाणा के 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद मंगलवार यानी आज मतगणना हो रही है इसी बीच बीजेपी राज्य में हैट्रिक की उम्मीद है जबकि लगभग एक दशक बाद राज्य में में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी नेलो बसपा और जीजे आजाद समाज पार्टी भी शामिल है वही मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो चुकी है वही हरियाणा में हुए चुनाव में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की बिनेश फोगाट की किस्मत का फैसला होने वाला है वहीं आपको बता दें दे, और वहीं से शुरुआती में बीजेपी चार जबकि कांग्रेस एक सीटों पर आगे चल रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतगणना शुरू होने से पहले कहा की मतगणना का दिन आज है मुझे पूरा यकीन है की बीते दस सालों में बीजेपी सरकार ने जो काम किया है उसके दम पर हम सूबे में तीसरी बार सरकार बनाएंगे हमारी सरकार हरियाणा के लोगों की सेवा करती रहेगी वहीं कांग्रेस सत्ता में आने के लिए काम करती है जबकि बीजेपी जनसेवा की भावना से काम करती है आपको बता दें हरियाणा के कैथल से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने कहा है की एग्जिट पोल से पता चलता है कि हम की हम राज्य की नब्बे से साठ सीटों पर जीतने जा रहे हैं लेकिन मैं कहता हूँ की हम सत्तर सीटें जीत रहे हैं और कैथल भी जीत लेंगे आज कोई बदलाव चाहता है लोग बीजेपी के 10 साल भ्रष्ट शासन से थक गए हैं वे बदलाव चाहते हैं मैं जनता हूं और कांग्रेस बदलाव को लेकर न्याय कर पाएगी इससे पहले सी सीओर के एग्जिट पोल में एक बार कांग्रेस की वापसी का अनुमान पूरी तरीके से लगाया जा रहा है माना यह जा रहा है की जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आगे चल रहे हैं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में मुश्किल बढ़ने वाली है दस साल से सत्ता में काबिज बीस से अट्ठाईस सीटों पर सिमट कर रह सकती है जबकि कांग्रेस पचास से अट्ठावन सीटें उसको मिलती हुई नजर आएगी और पिछले बार दस सीटें जीतने वाले दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को इस बार दो से दो सीटें मिलने के आसार हैं वहीं अन्य के खाते में दस से चौदह सीटें आ सकती हैं हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले गए थे और इस बार हरियाणा में सड़सठ दशमलव नौ परसेंट की वोटिंग हुई है वहीं अलानाबाद से सबसे ज्यादा अस्सी और बड़हल से सबसे कम अड़तालीस परसेंट मतदान हुआ है जबकि लोकसभा चुनाव में चौसठ दशमलव आठ परसेंट वोट पड़े थे वहीं अगर 2019 के नतीजों को समझा जाए तो 2019 वाली विधानसभा में पिछली बार बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई हालांकि इस साल मार्च में बीजेपी और जेजे का गठबंधन टूट गया था फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास और तिरालीस और एनडिया ब्लॉक के पास बयालीस सीटें हैं देखना दिलचस्प होगा की आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस बार कौन बाजी मार कर ले जाता है फिलहाल अभी जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी परचम लहराते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की हालात जो है वो बेहद खराब नजर आ रहे हैं।